अब मुझे पलट कर जवाब देगी तू? और ये क्या हाल बना रखा है घर का? सफाई भी नहीं की तू? चल जाके सफाई कर। किताबों पर जला दूंगी, समझी? किताबें तो कट गई थी। चल जा। वाह मेरी गुड़िया रानी, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। नानी मैं बहुत पढ़ूंगी और बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी। हाँ बेटा जरूर, तू बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। मुंह तो ऐसे रही जैसे इसके बाप ने पैसों का पेड़ लगाया है। पापा मम्मी तो दूर की बात है, फिर साल के पास भी हो गई। मेरा नाम मुझे खाने तो दो ना, मुझे भूख लगी है। हर टाइम बस खाना दो और खाना दो। चल चल से बर्तन दो पहले, दिमाग खराब करके रखी हो। जा। ये सब पढ़ाई लड़ाई ना तेरे लिए नहीं है, लड़कियों को घर के काम आना ज्यादा जरूरी है। चल झाड़ू लगा। आयरा आयरा। मामा मैं फर्स्ट आई। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी बेटी फर्स्ट आएगी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चॉकलेट। हाँ पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम पूरे स्टेट में फर्स्ट आओगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मामा जी, मैं खूब मेहनत करूंगी और इस स्टेट में फर्स्ट आके आपका नाम रोशन करूंगी। चलिए आप खाना खा लीजिए। हाँ तुम जाके खाना खाओ, आज मैं अपनी बेटी के साथ खाना खाऊंगा। मामा क्या लड़कियों को पढ़ाई करने से ज्यादा घर का काम सीखना जरूरी है? ये सब बातें आयरा, ये सब बातें कौन डाल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अरे कुछ नहीं, ये बच्ची है कुछ भी बोलती रहती है। आप आइए खाना खा लीजिए। चलो एक मिनट। बेटा तुम सिर्फ पढ़ाई का ध्यान दो, ठीक है? जी मामा। चलो मामा से मेरी शिकायत करेगी? नहीं मामी मैं सिर्फ पूछ रही थी। अब मुझे पलट कर जवाब देगी तू? और ये क्या हाल बना रखा है घर का? सफाई भी नहीं की तू? चल जाके सफाई कर। किताबों पर जला दूं, समझी? जब तक तू किताबें का बैठ लेती। चल जा। बहू ये क्या तरीका है बच्ची से पेश आने का? माँ जी अब तो चुप ही रहे, जब देखो तब बदमाशी करती रहती है, नाक पे दम कर रखा है। हेलो हेलो संजय, मुझे तुमसे पिंकी के बारे में कुछ बात करनी है। माँ आप दोनों के झगड़ों से मैं परेशान हो गया, अब क्या किया है उसने? बेटा वो आयरा की पढ़ाई छुड़वा कर उससे घर का काम करवाती है। आप पिंकी ऐसा कर सकती है मैं मान ही नहीं सकता। आप पिंकी को पसंद नहीं करती हो इसलिए उससे बदला लेने के लिए आप बच्ची का इस्तेमाल कर रही हो। देखिए माँ आपका झगड़ा है आप लेकर, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा था ना अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो तेरे इन किताबों को मैं जला दूंगी और फिर मुझे ठीक मैं क्या करूंगी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयरा के साथ ये सब करने की? पिंकी हमारी कोई औलाद नहीं है। मैंने सोचा था तुम आयरा को माँ का प्यार दोगे, लेकिन तुम अच्छी मामी भी नहीं बन पाई। आयरा बेटा, मुझे सच बताओ। मामा, आपके जाने के बाद ना मामी मुझे रोज मारती है और नहीं करने पे खाना भी नहीं देती। अरे नहीं, ये झूठ बोल रही है। चुप करो पिंकी। माँ मुझे सच बताती रही, लेकिन मैंने तुम्हारी झूठी बातों पर यकीन करता रहा। आज मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारा कोई बच्चा नहीं है। पिंकी, आयरा मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन आयरा को नहीं। अब तुम मेरे इस घर से चली जाओ। प्लीज मुझे माफ कर दो आयरा, तुम भी मुझे माफ कर दो बेटा। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद आयरा की मामी की माँ बनकर दिखाऊंगी। मामा, आप मामी को माफ कर दो।